18 दिसंबर 1854 में इंग्लैंड में जन्मे स्टैनली एडवर्ड लेनपोल, जिन्हें एक ब्रिटिश विद्वान, आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, उन्होंने वर्ष 1874 से 1892 तक ब्रिटिश संग्रहालय में काम किया और वर्ष 1897 से 1904 तक डबलिन विश्वविद्यालय में अरबी अध्ययन के प्रोफेसर रहे। स्टैनली एडवर्ड की वर्ष 1893 में द स्पीचेस एंड टेबल टॉक ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद नामी पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में स्टैनली पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद का व्यक्तित्व दया और शौर्य दोनों का मिला जुला रूप था। वो वर्षों तक अकेले ही अपने देशवासियों की दुश्मनी का सामना करते रहे। वो इतने शांत स्वभाव के थे कि हर एक से खुशी के साथ मिलते थे। उनकी सच्ची मित्रता, सहानुभूति, नरम दिली, वीरता और साहस सराहनीय है। जब 10,000 लोगों के साथ वो मक्का के विजेता की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने कुरैश और मक्का वासियों के सारे जुर्म माफ कर दिए और सेना पूरी शांति के साथ शहर में दाखिल हुई। ना कोई घर लूटा गया, ना किसी औरत को अपमानित किया गया और ना ही किसी का खून बहाया गया। देश विजय के इतिहास में इस प्रकार की जीत की कोई मिसाल नहीं मिलती।